विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। स्वागत तो हो गया हमारा, अब बड़ी भूख लगी है। अवश्य आपने मेरे पकवान तैयार किए होंगे। खीर पूरी के सामने कोई भी पकवान खाने की इच्छा ही नहीं होती। आप तो बस में वही खिला दीजिए। हमारी इच्छा तो थी ढेरों पकवान बनाने की, किंतु खीर पूरी की ही व्यवस्था कर सके हम। एक पकवान यदि अच्छा हो, स्वादिष्ट हो तो ही पर्याप्त होता है। और सुगंध से उसके स्वाद का पता चल रहा है, आनंद आएगा। आप भोजन परोसिए। भगवान, इतना भोजन पकाने की क्या आवश्यकता थी? अरे तो मिष्ठान लाना तो भूल ही गई, अभी लाती। मिष्ठान भी बना करके रखा। अरे भगवान, भगवान जरा सुनो तो, इतना कुछ तो खिला दिया उनको, अब क्यों सब खिला दोगी? अरे कुछ तो हमारे लिए भी बचा लो ना, कुछ नहीं तो कम से कम ये मिष्ठान ही बचा लो। बचाया है ना आपके लिए? हाँ। आपके लिए भी बचाया है। हाँ। ये बेला। हाँ। चलिए जाइए यहाँ से। जा रहा हूँ भगवान, जा रहा हूँ। अरे भाग्यवान, ओहो, सब कुछ ये खा जाएंगे तो मुझे भला क्या मिलेगा? और लीजिए ना, सारी खीर आप हमें ही खिला देंगी तो आप दोनों अपना व्रत कैसे समाप्त करेंगे? देवी, आप तृप्त होंगी तो हमारा व्रत सफल हो जाएगा, हम भी तृप्त हो जाएंगे। अपने लिए बचा लूं, अन्यथा मैं क्या खाऊंगा? पास जो कुछ भी था इन्होंने हमें खिला दिया। हाँ हाँ, बहुत बचा है, पर्याप्त है। कहाँ चले गए ये? वहाँ रसोई में क्या कर रहे हैं आप? बाहर आइए। कुछ नहीं कुछ नहीं। देविया विदा ले रही हैं, उनका आशीष तो लीजिए। आ रहा हूँ भाग्यवान, आ रहा हूँ। आया आया भाग्यवान, आया। प्रणाम। बापू, थोड़ा और झुक जाओगे तो कमर थोड़ी ना टूट जाएगी। अधूरा झुकोगे तो आशीर्वाद भी अधूरा ही प्राप्त होगा। अरे शुभ शुभ बोल दोस्त। उचित तो बोल रहा है मेरा लल्ला। श्रद्धा से प्रणाम करोगे तो मनचाहा वरदान मिलेगा। भाग्यवान, आयु हो चुकी है मेरी, अब झुकना कठिन है। तो वरदान मिलना भी कठिन है। नहीं नहीं, वरदान दीजिए, मैं झुकूंगा। लीजिए, मैं झुक गया। जय माता की।
क्या वरदान दूं आप दोनों भक्तों को? धन संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, या स्वर्ग लोक का सुख, या फिर संतान सुख? जो हमारे मन में है वो हमें कैसे ज्ञात है? कौन है ये देवी माँ? हे देवी माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि दान दक्षिणा में मुझे श्रीधर के समान स्वर्ण मुद्राएं मिला करें, ताकि मैं और धनी हो जाऊं। बताइए, क्या संतान सुख चाहिए आप दोनों को? देवी, माता की कृपा होगी तो हमें संतान सुख, धन संपत्ति का सुख जो हमारे भाग्य में होगा हमें अवश्य प्राप्त होगा। किंतु आप वरदान देने के लिए इच्छुक हैं तो मुझे वरदान दीजिए। माता के प्रति मेरी श्रद्धा, मेरे विश्वास में कभी कोई कमी ना आए। मैं आशीर्वाद देती हूँ, किंतु स्वयं के लिए कुछ मांगना चाहिए। आज अवसर है, जो आशीर्वाद मांगना है मांग लीजिए, जिसकी आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उचित है फिर, मैं निसंकोच मांगता हूँ, आप हमें आशीष दीजिए कि हमें माता रानी के साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाए। क्या हुआ देवी, आप शांत क्यों हो गई? धन और संपत्ति का आशीर्वाद आपने क्यों नहीं दिया मुझे? देवी लक्ष्मी की कृपा उन्हीं पर होती है जिनसे बुद्धि की देवी सरस्वती प्रसन्न रहती हैं। मैं आपको बुद्धि प्राप्त करने का आशीर्वाद देती हूँ। बापू नैन दुख जी, अब तो इनको भी ज्ञात हो गया कि आपके पास बुद्धि नहीं है। चलो अब इनके आशीर्वाद से कुछ तो सुबुद्धि आपको प्राप्त होगी। बार बार उनके निकट होने का आभास होता है, दर्शन नहीं मिलते, तभी भी ऐसा लग रहा है जैसे वो निकट ही है मेरे। मैं तो बस माता रानी के मूल स्वरूप के दर्शन को लालायत हूँ, किंतु कदाचित अभी भक्ति की और परीक्षा देनी है मुझे। हो सकता है, किंतु मैं आपको आशीष देती हूँ, यदि आपको परीक्षा देनी है तो आप उसमें सफलता प्राप्त करें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। शीघ्र माता के दर्शन चाहते हैं तो आपको एक और कार्य करना है। माता रानी के दर्शन के लिए मैं कुछ भी करूंगा, असंभव कार्य को संभव बनाऊंगा, मुझे बस माता रानी के दर्शन चाहिए। तब समस्त ग्राम वासियों के लिए आने वाले नवरात्रि के बाद दशमी के दिन भंडारे का आयोजन कीजिए। निर्धन असहाय मनुष्यों को भोजन देना, उनका पेट भरना सबसे बड़ा पुण्य है। मुझे विश्वास आप भंडारा करेंगे तो आपको भी माता रानी के साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे। आप इतने विश्वास से कह रही हैं, आप कौन है देवी माता जिसने स्वयं हम निर्धन भक्तों के घर आने का कष्ट उठाया? हमें माता कह रहे हैं, फिर भी परिचय पूछ रहे हैं। हम देवियां हैं, आप ही ने आमंत्रित किया था ना हमें। अच्छा, तो फिर इतना ही बता दीजिए कि आप कहां से आई हैं? वहीं से जहां आपने आमंत्रण भेजा था, हृदय से हमारा स्मरण किया था ना आपने। इसमें इतना अचरज क्यों था आपको? आप ही कहते हैं ना, माता आपके हृदय में बसती है। जय माता की। व्यर्थ के प्रश्नों में उलझे बिना स्वयं पर अपनी भक्ति पर विश्वास रखने से जीवन का उद्देश्य अवश्य पूर्ण होता है। अब हमें विदा लेनी चाहिए देवियों। श्रीधर,
तुम देखते ही रह गए और मैंने पूजा संपन्न कर आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी कन्या है, अर्थात श्रीधर ने कंजक पूजा संपन्न कर आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया, किंतु क्या मांगा होगा उसने देवी माँ से? स्वामी, माता रानी, जय माता की। माता रानी के पर्ची अर्थात माता रानी स्वयं आई थी यहां। मैंने सत्य ही कहा था सुलोचना, वो देवियां और कोई नहीं माता रानी का ही स्वरूप थी। बालिका रूप में माता रानी स्वयं यहां आई थी हमें दर्शन देने। माता आई थी का राग अलाप रहा है, बुद्धि फिर गई इसकी। कोटि कोटि धन्यवाद आपको माता, माता आपकी कृपा प्राप्त हुई। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद आपको, कोटि कोटि धन्यवाद। रुक जाओ श्रीधर, रुक जाओ, अन्यथा मस्तक फट जाएगा तुम्हारा। कन्याएं ही थी वो, और यहाँ आसपास की थी भी नहीं। जो जगत में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, उन्हें किसी स्थान से कैसे बांधा जा सकता है? जगत माता किसी एक स्थान की नहीं, संपूर्ण जगत की है। मेरा विश्वास कीजिए, माता रानी स्वयं यहां आई थी, और एक नहीं 9 कन्याओं के स्वरूप में। नयनसुख जी, मैं सत्य कह रहा हूं, और माता रानी ने मात्र मुझे दर्शन ही नहीं दिए, मुझे आशीर्वाद भी दिया। मैं गांव भर के लिए भंडारा करूंगा तो मुझे दर्शन प्रदान करेंगी। अपनी निराशा छिपा रहा है, माता आए साक्षात दर्शन और आशीर्वाद देकर के जाएं, ये कैसे संभव है? लगता है मेरे चतुर बाप की चतुराई भरी चाल धरी की धरी रह गई, और श्रीधर काका को श्रेष्ठ आशीर्वाद मिल गया। वचन देता हूं माता, आगामी दशमी को भंडारा अवश्य करूंगा, संपूर्ण ग्राम को निमंत्रण दूंगा। भंडारा करोगे, और तुम, एक फूटी कौड़ी तक तो है नहीं तुम्हारे पास? माता रानी है मेरे साथ, उनका विश्वास है मेरे साथ, उनका आशीर्वाद है मेरे साथ, और जैसे आज माता रानी ने मेरा व्रत संपन्न कराया है, वैसे ही आगे के मार्ग भी वही खोल देंगी।
भाभी, श्रीधर मानसिक संतुलन खो बैठा है अपना, किंतु आपको क्या हुआ है? ना कोई पद चिन्ह है, ना कोई माता आई थी और ना ही कोई आशीर्वाद मिला है इसे। कोई आशीर्वाद मिला है इसे? आशीर्वाद मिला है इसे? भक्ति नहीं, भक्ति का ढोंग करता है ये। भक्ति का ढोंग करता है ये। कोई मेरे भक्त पर अविश्वास करता है तो वो मुझ पर भी अविश्वास करता है। यदि मेरे भक्त को कोई बुरा भला कहता है तो उसके शब्द मुझ तक पहुंचते हैं। माता आई थी कहते हैं, अपना मुख देखा है दर्पण में? अरे स्वयं को पहचानो श्रीधर, स्वयं को पहचानो। यदि माता के इतने बड़े भक्त होते तुम तो यहाँ मेरे सहायक नहीं होते, महापंडित होते और मैं होता तुम्हारा सहायक। लगता है नयनसुख ने भी अपने लिए वरदान मांग लिया। माता शीघ्र वो भी भक्ति की महिमा समझेगा और ये उसके लिए बड़ी सीख होगी। जानते भी हो भंडारे में कितना धन व्यय होता है? तुम्हारे लिए तो तभी संभव है जब कोई चमत्कार हो जाए। तो शीघ्र वो भी होगा चमत्कार। आप सब देवियों को धन्यवाद, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। एक ओर जहां माता श्रीधर का भंडारा कराने के कठिन प्रण को पूर्ण करने को आतुर थी, वहीं दूसरी ओर स्वयं माता के लिए ही समस्या उत्पन्न होने जा रही थी। तंत्र विद्या का घोर साधक भैरों माता की अलौकिक शक्ति से आकृष्ट हो उन्हें अपने वश में करना चाहता था। कर्म अनुसार समय आने पर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा।